दुनिया बुला के निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर पिंटो में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए फिर से एक न्यू स्टाइल में लिरिकल वीडियो के साथ फोटो से वीडियो का एडिटिंग करने का तरीका बताएं। जैसे कि आप लोग प्रीव्यू वीडियो को देख के समझ गए होंगे, या तो फ्रेंड्स अभी जो स्क्रीन पर वीडियो को देख रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे किस तरह से लिरिक्स वीडियो के साथ मतलब वीडियो एडिटिंग है। देख सकते हैं किस तरह से मेरे लिरिक्स वीडियो में इफेक्ट लगा हुआ है और फोटो में भी इफेक्ट लगा हुआ है। अगर आप भी अपना खुद का सॉन्ग से और अपना खुद का फोटो से मेरी जैसे वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। अब बहुत ही आसानी से आप मेरी जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की भी दबा दीजिए ताकि जो हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फ्रेंड्स एलाइट मोशन। अगर आपके पास एलाइट मोशन ऐप नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको दो मतलब एडिटिंग मटेरियल लिंक मिलेगा, उसको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं। जैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सॉन्ग का बीट मार्क लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इफेक्ट का लिंक मिलेगा, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह से लिंक को टच करने के बाद आपका डायरेक्ट एलाइट मोशन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम नेट को ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह से टच करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद डायरेक्ट एलाइट मोशन पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इंपोर्ट का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसको टच करने के बाद थोड़ा सा डाउनलोडिंग लेगा। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं जिस तरह से सॉन्ग का बेस है उस तरह से यहाँ पिटमार्क दिया हुआ है। सिंपली आपको इसमें फोटो लगाना है और लिरिक्स को लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ प्लस का आइकन दे रहे, प्लस का आइकन को टच करने के बाद ये मीडिया का ऑप्शन दे रहे, इसको टच करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं अगर आपका फाइल में कोई अलग फाइल में इमेज है तो यहाँ से इसको टच करना है और यहाँ से अपना जिस फाइल में आपका इमेज है वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ प्लस का आइकन दे रहे, इसको टच करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप सॉन्ग को प्ले करके देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे 13 सेकेंड पर लगभग आने के बाद इसको इस तरह टच करना है और इसको टच कीजिएगा, आपका इमेज यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद आपको टच करना है इमेज को। इमेज को टच करने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए, आपको फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप कुछ भी लगा सकते हैं, अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप जो छूट रहा है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको फिर इस एरो को टच करने के बाद यहाँ पिट मार्क पे आ जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे कट कर देना है, फिर इस एरो को टच करने के बाद इसको कट कर दीजिएगा। और देख सकते हैं फर्स्ट इमेज को आपको टच करना है। यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन में जाने के बाद ऐड इफेक्ट का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद यहाँ कलर एंड लाइटिंग का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से कम कर दीजिएगा, देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट हो गया मेरा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। इसके बाद यहाँ आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आने के बाद फिर इसको इस तरह से टच करने के बाद बीच में कट कर दीजिएगा। इसके बाद इसको टच करना है, फिर इफेक्ट का ऑप्शन में जाना है, फिर ऐड इफेक्ट का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद, फिर यही वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसको देख सकते हैं थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, हल्का सा लाइटिंग कर देना है। इसके बाद फिर आपको इसमें आना है और फिर सेम प्रोसेस आपको करना है।
इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कितना पॉइंट पे आप कितना नंबर पे इसको रखे थे, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको रखना है। देख सकते 73 है, अभी अगर आप इसको 100 में कर दीजिएगा या तो 90 पे कर देते हैं, इसके बाद अगर हम 100 पे इसको रख देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर ग्रेडिंग आ रहा है, देखिए लाइटिंग कितना अच्छा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद सेकेंड इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को लेने के बाद फिर से आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद आपको इस बिटमार्क तक आपको इस इमेज को रखना है। इसके बाद एक इमेज को हम और सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी फिर इस एरो को टच करने के बाद, फिर इमेज को टच करने के बाद फिर इसको टच कीजिए और फिर इसको भी फुल स्क्रीन पे आपको कर देना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और जो आप सेकेंड लिंक से मेरा जो इफेक्ट वाला डाउनलोड किए होंगे उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपको फर्स्ट इमेज को टच करना है। इसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ 3 डॉट्स का ऑप्शन में जाने के बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जहाँ पर आप वीडियो को एडिट कर रहे थे वहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद फिर से आपको बैक आ जाना और जहाँ पे इफेक्ट है वहाँ पे आपको आने के बाद इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको करना है। देख सकते हैं सेकेंड इमेज पे आने के बाद इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा। तो इसमें किस तरह से इफेक्ट आ रहा है, एक इफेक्ट को और ले लेते हैं। सॉन्ग के अनुसार से फ्रेंड्स आपको जहाँ पे सूटेबल लगे ये सब इफेक्ट वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार से। सबसे पहले इसको भी फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। इसके बाद लिरिक्स को सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से टच करने के बाद इसको अब टच करना है। इस ऑप्शन को टच करने के बाद कॉपी लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जहाँ पे आप वीडियो को एडिट कर रहे थे वहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं इसको टच करने के बाद पेस्ट लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद लिरिक्स जो टेक्स्ट है इसको इससे टच करना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन भी जाने के बाद इसको नीचे कर दीजिएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। इसको टच करने के बाद फिर पेस्ट लेयर का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद एरो को टच करने के बाद जहाँ पे मेरा बिट मार्क है वहाँ तक हमको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मेरा सेकेंड बोल आता है जैसे दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, तो इसको इस तरह टच करना है। इसके बाद एडिट टेक्स्ट का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है। टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ टिक का निशान दे रहा है इसको टच कीजिए। इसके बाद इसको भी नीचे कर दीजिएगा। आपको जहाँ पे सूटेबल लगे वहाँ पे रख सकते हैं इसको। इसी तरह फ्रेंड्स सेम प्रोसेस आपको सब में करना है जितना बिट मार्क लगा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से इफेक्ट चेंज होता है, यहाँ से आपको छोड़ देना है। अब चलिए हम इसको प्ले करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा वीडियो बन गया। इससे फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से आप मेरी जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। पूरा वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ एरो का ऑप्शन दे रहा है, एरो का ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, इसको टच करने के बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने के लिए चालू हो जाएगा। इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, उसको टच करने के बाद आपका फाइल में वीडियो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स कैसा लगे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको मेरी जैसे वीडियो एडिटिंग करने में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते कल फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।